शांति। आज 31 दिसंबर की मुरली है। रिवाइज डेट है 13/11/97 मधुबन। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो बाप दादा, हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होंठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पांव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचने आती है। खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा, वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है,
तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूरत। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। यह शब्द समाप्त हो, करके दिखाएं क्या? दिखाओ, और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर लें तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो, लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं? नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना या नहीं? निमित हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं।
तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है, हैं ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा, महादाता और महासहयोगी बनो। अभी एक साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण, अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भाकर आए हो ना। देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान हैं। यह हॉल अच्छा लगता है या दूर लगता है, देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो, ऐसे समझते हो। कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो या दिल में बैठे हो, सीन तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं, तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ 9 लाख हैं? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो? यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना? तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है, विनाश के अंत में या पहले, क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है, कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा, इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेंगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ, बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हैं, वाणी संबंध संपर्क उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ, बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी।
आजकल के समय और सरकमस्टांश के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया, और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं, तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे, साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते खाते पीते चलते थे, ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रालब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ, विशेष प्रालब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बचने वाली है, तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ती जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते हैं। स्लोगन है साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।